प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर फरीदाबाद से, जहां सरकारी आदेशों की धज्जियां निजी स्कूल उड़ाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि बंद के आदेशों के बावजूद निजी स्कूल को खोला गया और स्कूल में मासूम बच्चों को बुलाकर यहां कक्षाएं लगवाई जा रही है। आपको बता दें कि प्रदूषण के चलते 17 नवंबर तक के लिए स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन फरीदाबाद में एक निजी स्कूल खोला गया। सरकारी आदेशों के बावजूद नन्हे मुन्हे बच्चों को स्कूल में बुलाकर इनकी कक्षाएं लगवाई गई। आपको बता दें कि दिल्ली NCR से लगते इलाकों में लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए थे, जिसके तहत स्कूलों को बंद करने का आदेश था और निर्माण गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई थी। बता दें कि दिवाली के बाद से प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के बाद से गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन फरीदाबाद के एक निजी स्कूल ने सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए बच्चों को स्कूलों में बुलाया और यहां पर इनकी कक्षाएं लगवाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है जो फरीदाबाद से आ रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो फरीदाबाद के एक निजी स्कूल है, जहां सरकारी आदेशों के बावजूद नन्हे मुन्हे बच्चों को स्कूल बुलाया गया और इनकी कक्षाएं लगवाई गई है। दरअसल दिल्ली में दीपावली के बाद से बढ़े प्रदूषण के स्तर के बाद से 17 नवंबर तक स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन एक निजी स्कूल के द्वारा इन सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई और मासूम बच्चों को स्कूल में बुलाकर इनकी कक्षाएं लगवाई गई। बता दें कि दिल्ली NCR से लगते इलाके गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में स्कूलों को बंद करने और निर्माण गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी, लेकिन इन सबके बावजूद एक निजी स्कूल को खोला गया और यहाँ पर नन्हे मुन्हे बच्चों को बुलाकर कक्षाएं लगवाई गई। ऐसा है कि हमारा स्कूल इसलिए खुला है कि हम लोग अभी छोटे बच्चे भी आए हैं, बड़े बच्चे भी आए हैं, हम टीचर्स भी आए हैं, सबको प्रेजेंट करके हम इनकी नोटिस निकलवा रहे हैं। अब इनको हम छुट्टी कर देंगे, मतलब एक घंटे के अंदर हम छुट्टी कर देंगे। बट ये है कि प्रदूषण जो है, ये जो कॉलोनियों में, गाँव में जहाँ पर बस की सुविधा नहीं है, उससे तो प्रदूषण होने की संभावना नहीं है। बट स्कूल ऐसे गाँव के छोटे छोटे स्कूल या बड़े बड़े स्कूल जो भी है, इसके बस सुविधा, ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं है, उनको तो बंद करना ठीक नहीं है। और यदि सरकार का ऐलान है तो बंद करना ही पड़ेगा। सर, फरीदाबाद में पॉल्यूशन की मात्रा है 400 से पार है, लगातार हवा है वो कहीं ना कहीं जहरीली होती है, उसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया। क्या ठीक है, फैसला लिया है ठीक है, लेकिन एक उसको पहले ही सरकार को एक्शन लेना चाहिए। पटाखे नहीं बंद करने, पटाखे बनाना बंद कर दो, दो चार साल अपना काम शुरू करो और बढ़िया से प्रदूषण को रोको। रोकते हैं नहीं लोग, सिर्फ स्कूल पर या ऑफिस बंद करने से काम कैसे चलेगा। सरकार के जो आदेश हैं उनको आप नहीं मानते या नहीं? सरकार के आदेश को तो मानना पड़ेगा जी, वो तो सरकार जो कहेगी वो तो मानना पड़ेगा। बट हमारा अपना विचार बता रहे हैं हमने, ये ऐसा है कि प्रदूषण पर पहले से रोक लगाना चाहिए, ताकि हम पटाखा नहीं बनने दें, छोड़ने ना दें, या जो भी पुरानी गाड़ियाँ उनको ना चलने दें, इससे प्रदूषण रुक सकता है ज़्यादा। पॉल्यूशन 400 PPI से पार है, उसके बाद सरकार ने मतलब स्कूल बंद कर रहे हैं, तो आप मतलब बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? सर जी देखिए, मेरी बात सुनो, प्रदूषण किसको, घर में प्रदूषण लगेगा ना। ऐसा है कि यहाँ पर बस सुविधा नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट हमारे पास है नहीं, कोई बच्चे गाड़ी से बाइक से आता है नहीं, इसलिए हमें प्रदूषण फैलने में तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार का आदेश उसको तो फॉलो करेंगे।